नमस्कार मैम, आपका स्वागत है सस्तक में, लक्ष्य हरियाणा में, रियल न्यूज में। आप आज ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये 5 दिन का जो आपका शिविर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आज चारों तरफ नकारात्मकता का बोलबाला है, तनाव से इंसान घिरा हुआ है और हर फील्ड में इंसान असफलता चाहता है। लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आज हम 24 घंटे में 60 से 70 हज़ार विचारों को उत्पन्न करते हैं, मन को कहीं पे भी आराम नहीं देते। और जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो मन में शक होता है कि पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा, यानी मनोबल की कमी है। और मनोबल जहाँ नहीं है तो इंसान सफल नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। तो मैं इन 5 दिनों में मनोबल का विकास और दृढ़ इच्छा शक्ति, परमात्मा शक्ति, परिवर्तन शक्ति, सहन शक्ति और दृष्टिकोण में परिवर्तन, इन 5 विषय पे 2-2 घंटे का मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रोग्राम बताने वाली हूँ। दुनिया के उन महान व्यक्तियों का जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की, उनके पास ना तन का बल था, ना धन का बल था, ना जन का बल था, ना बड़ी बड़ी डिग्रियाँ थी, लेकिन उन सबके पास मनोबल बहुत स्ट्रांग था। और इस प्रोग्राम में यही बताने जा रही हूँ कि आज हमें कहीं ना कहीं मन को एकाग्र, जिसको कॉन्सेंट्रेशन पावर कहती, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो तब बढ़ता है जब हम अपने आप को आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा की तार जोड़ते हैं। परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती और हमारे अंदर की नकारात्मकता निकलती जाती। तो इन 5 दिनों में सुबह मैं तनाव मुक्ति का और शाम को सफलता के 5 कदम बताने वाली हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छे। और ये जो अभी आपने बताया कि ये जो फिल्म भी आप वो करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं एक फिल्म बनाई हूँ और वो मार्च में ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज होने वाली है, गॉड जी सर्मनाइजर ऑफ गीता, गीता ज्ञानदाता गॉड जी। और उसमें यही बताने जा रहे हैं कि आज विश्व में अशांति का कारण क्या है, कि कहीं ना कहीं मनुष्य सत्य परमात्मा का परिचय भूल गया है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के संतान हैं। गीता में एक छोटी सी गलती की वजह से आज कहीं ना कहीं इंसान भटक रहा है। अगर अर्जुन का मोह नष्ट हुआ तो वहाँ पे धृतराष्ट्र का मोह क्यों नहीं नष्ट हुआ? क्योंकि संजय तो उनको सारा कुछ सुना रहे थे, हाल देखा हुआ। तो ऐसे कई प्रश्न जो आज बुद्धिजीवी लोगों के मन में उठते हैं, तो वो सारी बात बता के और किस तरह विश्व में शांति स्थापित हो। हर मनुष्य, जो हमारे भारत में कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उसको कैसे हम फिर से जोड़े, ना ओनली भारत लेकिन पूरे विश्व को एक करने की, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है, बहुत अच्छी। और आपने ये जो जैसे बताया कि रामायण में मंदोदरी की भूमिका आपने जो निभाई थी, लोग आज भी याद करते हैं कि रामायण, कई लोगों का ये भी हमने जैसे सुना है, मीडिया में भी आता है और जगह भी अखबार में पढ़ते हैं कि मतलब कि वो लोगों की ये डिमांड है कि आज भी रामायण वही जो पहले चलती थी उसी को चलाया जाए। तो आपका भी रोल उसमें अच्छा ही बताया गया उसमें। जी जी जी, उसके बारे में एक्चुअली मैं सही कहूँ तो मुझे 26 वर्ष हो गए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। और आपको ये बताऊँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये ज्ञान दिया जाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस शरीर के भान अभिमान के कारण ही दुख हुआ है। तो मैं पुरानी कोई भी पहचान नहीं बताना चाहती हूँ, हमारे बड़ों का भी यही है। और मैं एक प्रभा मिश्रा हूँ, प्रभा मिश्रा भी एक झूठी आइडेंटिटी है। मैं एक आत्मा हूँ, ना मैं अपराजिता भूषण हूँ, ना मैं मंदोदरी हूँ, ना मैं प्रभा मिश्रा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र परमात्मा के संतान हूँ, ये मैं कहना चाहूँगी। अब मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सबका बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर लोगों का बुद्धि योग मुझसे जुड़ता है, इतनी फिल्में की, इतनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये भी फिल्म का नाम मैंने इसलिए कहा कि इसके जरिए लोगों को पता चले, तो लोग देखें उस फिल्म को कि क्या ऐसी नई बात है वो देखने के लिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ नाम मन शान की पूजा नहीं होती, व्यक्तित्व की पूजा नहीं होती, हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। और हम सब एक दूसरे के प्रति भाई बहन का एक दृष्टिकोण रखते हैं। हम सब एक परमात्मा के संतान हैं, आत्मा आत्मा है। तो
आशा है कि आप इस बात से बुरा नहीं मानेंगे। और जी, क्योंकि उसको 35 साल हो गए जो चीजों को, तो अब उसको कितना चलाएंगे। हमारे बड़े भी कहते आप एक राजयोगिनी है, ब्रह्मा कुमारी है, और प्रभा मिश्रा तो मेरा नाम है, मैंने आज तक कभी कोई दूसरे नाम से कहीं पर इंटरव्यू नहीं दिया है। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ।